हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर लेक्चर में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो भी दोस्त CUET 2023 का एग्जाम देके अभी आए हैं, उन दोस्तों को ये मन में बहुत विचार आ रहा है कभी से, तभी से जब से उन्होंने एग्जाम दे दिया है तब से, मतलब कि जिस दिन उनका एग्जाम हुआ उसके बाद से ही ये मन में विचार आ रहा कि जो हमारा आंसर किया है वो कब तक रिलीज होगा, हमारा जो मार्कशीट है वो कब तक आएगा, और फिर काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में कई दिनों से चल रही हैं, तो आज हम इन सभी का जो है एक सोल्यूशन लेके आए हैं, जिसमें आप सभी को बात करेंगे कि आप सभी का आंसर कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, और आप सभी की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आंसर की, ठीक है। अभी आज ही की बात है, आज शाम को जो जगदीश मुंडाला जी हैं उन्होंने एक ट्वीट किया है ट्विटर पे, उसमें उन्होंने बताया कि आप सभी का जो आंसर की है वो जल्दी रिलीज कर दिया जाएगा, और आंसर की रिलीज करने के बाद आप उस आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस आंसर की को लेके बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जो सोशल मीडिया, उस पर बहुत जगह तो लिंक भी एक्टिवेट किया गया है वहाँ पे कि आप सभी का आंसर किया गया, आप सभी आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन लॉगिन करने के बाद भी वो आंसर की डाउनलोड नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि अभी वो आंसर की जब रिलीज नहीं हुई है तो डाउनलोड कहाँ से होगी, ठीक है। तो आप सभी भी निश्चिंत रहिए, आप सभी का जो आंसर की है अभी रिलीज नहीं किया गया, अभी बस केवल नोटिफिकेशन आया कि आप सभी की जो आंसर की है वो जल्दी जो होगा वो आप सभी का रिलीज कर दिया जाएगा, ऐसा जगदीश मुंडाला जी ने कहा है, ठीक है। तो जो उम्मीद की जा रही है वो कल शाम तक या फिर परसों मॉर्निंग, मतलब कि कल शाम तक या फिर परसों मॉर्निंग तक आप सभी का जो आंसर की है वो रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है। उस आंसर की के रिलीज करने के बाद आप सभी अपने आंसर की को जो है उसको चैलेंज कर सकते हैं, मतलब कि अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि ये क्वेश्चन, इसका आंसर हमने ये किया ये सही है और ये चीज़ इसमें गलत दे रखी, जो आंसर की में आपको सभी को आपका आंसर और जो सही आंसर है वो दोनों दिया रहेगा, आपका और उसका सही, जो अगर दोनों सही होगा तो ठीक है, अगर आपने जो लगाया वो सही है और जो उसमें दिया गया वो गलत, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हो। उसको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। वो कितना फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो वो नॉन रिफंडेबल फ़ी होगा, वो आप सभी को वापस नहीं किया जाएगा। जो भी फ़ी आप सभी का लगेगा उस क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए आप सभी को प्रूफ देना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन देखिए ऐसे है, ऐसे होना चाहिए, इसका आंसर इतना आना चाहिए, लेकिन इतना आप सभी ने दिया तो ये हमारा करेक्ट किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो ये हो गए आंसर की बात कि आप सभी का कल परसों मॉर्निंग तक आने की उम्मीद है, ऐसा उम्मीद किया जा सकता है, कन्फर्म नहीं बताया जा सकता, ठीक है। बाकी अगर हम बात करते हैं कि आप सभी का जो मार्कशीट है, जो रिजल्ट है वो कब तक डिक्लेयर किया जाएगा, अगर उसकी बात करते हैं तो वो आज का आंसर की मान लेते अगर परसों आ जाता तो 10 से 15 जुलाई है, इसके बीच में आप सभी का जो रिजल्ट है वो आउट करने, मतलब कि किया जा सकता है, रिजल्ट आप सभी का आ सकता है। उसके बाद 15 के बाद कहीं जाके आप सभी की जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी, आप सभी काउंसलिंग करा सकते हैं और अपने मन पसंदीदा जो भी आप सभी के अच्छा लगता है उस कॉलेज के लिए आप काउंसलिंग करा सकते हैं और अपने कॉलेज को चूज कर सकते हैं, ले सकते हैं और उसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई, सारी चीज़ें आपके क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और या फिर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप सारी चीज़ें अपनी शेयर कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए जिसमें आप सभी को CUET से रिलेटेड सारी चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद, थैंक यू।